चमोली जिले में डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड एकेडमी नैनीताल की ओर से आपदा प्रबंधन विषय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी ने जिला पंचायत सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सैनी ने कहा कि उच्च तकनीकी संस्थानों ने भूगर्भीय सर्वेक्षण कर रिपोर्ट में जनपद चमोली को आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बताया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण साबित होगा। उत्तराखंड एकेडमी नैनीताल के संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि सीमांत राज्य उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं लगातार दस्तक दे रही है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारियां आवश्यक है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। महानिदेशक है, उनके दिशा निर्देशों के तहत जनपदों में जाके इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसके कार्यक्रम निदेशक जो है महेश मोदी साहब है और आज इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। आज का जो सत्र है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जनपद चमोली विगत में 1999 का एक बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक यहाँ पर आया, जिसमें एक सौ जी। सर्वप्रथम तो मैं ATI को धन्यवाद अपना देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय में हमारे जनपद के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। 3 दिवसीय एक कार्यशाला ऑर्गेनाइज किया है अलग अलग विषय में, जिसका शुभारंभ जो है आज वो आपदा प्रबंधन की कार्यशाला के साथ किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सबसे पहले जो है हम आपदा प्रबंधन की रूपरेखा जो रहती है, उसके जो लीगल प्रोविजंस रहते हैं, उनका हम सभी के साथ ज्ञान साझा करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं, लगभग समस्त जितने भी विभाग रहते हैं हमारे, उन सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रशासन से भी लोग हैं, पुलिस से भी लोग हैं, और उसके अलावा जितने हमारे विकास विभाग के लोग हैं और अन्य विभाग के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए इस सभी को इसलिए दिया गया है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है कि इतने सारे लोगों का एक साथ ट्रेनिंग जो है